क्या मिस्टेक करते हैं जब वो ब्रांड का इमेज बिल्ड करते हैं और कौन सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना बेसिकली एक मिथ क्रिएट की गई है। वो फेसबुक यूज़ करना आता है, आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर लेते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर लेते हैं, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपना बिजनेस जो है वो लेकर आ रहे होते हैं तो एक इंटायरली डिफरेंट जो है वो गेम होता है। हम जो है स्पेशली मैगजो को जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एक स्टार्टअप को उसको जो है वो हम लेकर चलेंगे एंड प्रॉपर उसको कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, ज़िंदगी में रोशनी बने और सोच बदलेगी तो पाकिस्तान बदलेगा, इसी टैगलाइन के साथ हम फिर एक बार हाजिर खिदमत हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका जो बेसिक स्किल है वो तो ये है कि वो एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, लेकिन ख़ास तौर पर ये CEO हैं मैगजो के, जो कि इनकी अपनी एक अपना एक सॉफ्टवेयर हाउस है और इसके साथ साथ ये ब्रांच हेड हैं टेक्नोलैंक्स के। इन्होंने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से अपने करियर का आगाज़ किया, उसमें जॉब करते रहे, लेकिन उसके बाद इन्होंने सोचा कि ये IT सेक्टर में बिज़नेस करना चाहते हैं। इसके पीछे क्या वजह थी, क्यों इन्होंने ये ख्वाब देखा, ये सोचा और फिर किस तरह इसको एग्जीक्यूट किया, ये सब बातें आज हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम हमजा तारिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सर। सर, मैं आगाज़ यहाँ से करना चाहूँगा कि एक आदमी जो जॉब कर रहा है और अच्छी जॉब कर रहा है, वहाँ से वो सोचता है कि मैंने बिज़नेस की तरफ आना है, और माशाल्लाह आपको 6 साल हो गए हैं IT सेक्टर में काम करते हुए, तो ये ख्याल कब और कैसे आपके जहन में आया कि मैंने बिज़नेस करना है, अपना काम करना है और फिर IT सेक्टर में ही आना है? बेसिकली मेरे करियर का आगाज़ जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी से हुआ था। जब जैसे ही ग्रेजुएशन हुई एंड विद इन द नेक्स्ट डे मैं जो है फार्मास्यूटिकल कंपनी को एज अ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव ज्वाइन किया एंड वहाँ पर 4 साल मैंने अपनी जो है वो वर्किंग की, लेकिन जो माइंड सेटिस्फेक्शन थी वो नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं एक लोअर फील्ड के अंदर जो है वो काम नहीं था करना चाह रहा, जो कहने के मार्केटिंग एक्सपोजर में मज़ीद लेना चाह रहा था एंड कुछ खुद के बलबूते के ऊपर कुछ करना चाह रहा था। दैट्स वाई मुझे जो है वो एक चीज़ क्लिक करती थी कि यार मैं कुछ जो है वो चेंज करूँ इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो रिसेंटली साथ जो है मैं अपनी कर रहा था, ट्रेनिंग कर रहा था IT के अंदर, जब मैं मास्टर कर रहा था तो वहाँ पर मेरे दोस्त थे सर कासिम आगा खान, जो कि हमारे CEO हैं टेक्नोलैंक्स IT ट्रेनिंग सेंटर में, तो ही वॉज द गाय जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया, जिन्होंने मुझे पुश किया कि मैं जॉब की जो है वो लाइफ से निकल के जो है वो अपने बिजनेस की तरफ आऊँ, एंड उन्होंने मुझे IT के स्किल्स प्रोवाइड किए एंड उन्हीं की वजह से जो है वो मुझे ये स्टार्ट मिला कि मैं खुद का जो है वो बिज़नेस करूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह करंटली मैं 2 से 3 अपने स्टार्टअप्स को जो है वो चला रहा हूँ। रिसेंटली हमने मैगजो के नेम से एक स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट किया एंड कासिम आगा खान जो है जो उन्होंने मुझे पुश किया एंड मुझे इंस्पायर किया कि मैं इसको बींग अ CEO जो है वो हैंडल करूँ, एंड करंटली हम इसको लेकर चल रहे हैं बींग अ सोशल मीडिया हाउस। आपने सॉफ्टवेयर हाउस का नाम तो सुना होगा, लेकिन वी आर ब्रिंगिंग अ न्यू कॉन्सेप्ट विद द नेम ऑफ सोशल मीडिया हाउस। इसके अंदर हम सोशल मीडिया से रेलिवेंट A to Z तमाम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि ब्रांड बिल्डिंग से लेकर पर्सनल ब्रांडिंग तक एंड प्रोडक्ट सेलिंग, ईच एंड एवरीथिंग हम इस जो है वो वेंचर के अंदर जो है वो हम कवर कर रहे हैं। सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग की आपने बात की, इसमें जैसे ब्रांड बिल्डिंग, तो ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि आम तौर पे जब लोग ये काम शुरू करते हैं, क्योंकि आप इसके एक्सपर्ट हैं, तो क्या मिस्टेक करते हैं जब वो ब्रांड का इमेज बिल्ड करते हैं और कौन सी चीज़ों का ख्याल नहीं रखते जिनका ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए? ओके, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है ना बेसिकली एक मिथ क्रिएट की गई है कि आपको फेसबुक यूज़ करना आता है, आप फेसबुक के ऊपर पोस्ट कर लेते हैं, आप इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट कर लेते हैं, तो आप सोशल मीडिया मार्केटर हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग जब आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जब अपना बिजनेस जो है वो लेकर आ रहे होते हैं तो एक इंटायरली डिफरेंट जो है वो गेम होती है, ठीक है, जो कि आप जो है वो नहीं, वो हर पर्सन उसको जो है वो समझ नहीं पाता एंड अल्टीमेटली जो है वो क्या करता है कि अपने इन्वेस्टमेंट को भी जो है वो लॉस करता है और एक ब्रांड इमेज प्रॉपरली जो है वो बना नहीं पाता, ठीक है। तो इसी जो है वो कह लें कि नीड को रियलाइज करते हुए पाकिस्तान की ऑडियंस के लिए हम जो है स्पेशली मैगजो को जो है इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जो कि बिल्कुल बेसिक से लेकर एक स्टार्टअप को एंड एक ग्रोन बिजनेस को जिसका सोशल मीडिया अपीयरेंस जो है वो प्रॉपर नहीं है उसको जो है वो हम लेकर चलेंगे एंड प्रॉपर उसको कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे, कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करेंगे एंड उसकी ब्रांड इमेज को जो है वो बेहतर करेंगे।
अच्छा सर, ये जो ब्रांड इमेज आप बनाते हैं, इसको किस किस प्लेटफॉर्म पे फिर आप अपडेट करते हैं? फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम वगैरह, इन्हीं को यूज़ करते हैं या इसके अलावा भी कुछ? सर, ब्रांड इमेज बेसिकली सबसे पहले तो हम जो है वो देखते हैं कि बिज़नेस क्या है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है, उसका बायर पर्सोना जो है वो क्या है। हम सर, फॉर एग्जांपल अगर एक स्कूल आ गया आपके पास, एक मैं मिसाल लेना चाह रहा हूँ, तो उस स्कूल की आपने ब्रांडिंग करनी है कि वो बाकियों से डिफरेंट है, वैल्यू एडिशन कर रहा है, बच्चों को अच्छी तालीम दे रहा है, तो उसको अब आप किस किस प्लेटफॉर्म पे प्रमोट करेंगे एक एग्जांपल के तौर पे? ओके, अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल जो है वो हम देखेंगे कि किस एरिया के अंदर जो है वो स्कूल है, उसका स्कोप क्या है, उसकी टारगेटेड ऑडियंस क्या है। क्या वो स्कूल जो है वो एलीट क्लास को जो है वो टारगेट कर रहा है या लोअर और मिडिल क्लास को जो है वो टारगेट कर रहा है। एंड देन हम जो है वो ये चीज़ देखेंगे कि उस टारगेटेड ऑडियंस की जो ऑडियंस है वो हम कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादा एक्टिव है, ठीक है। एंड देन हम उस प्लेटफॉर्म को जो वो टारगेट करते हुए उसके ऊपर जो अपनी ब्रांड बिल्डिंग जो वो स्टार्ट करेंगे। सर, ये जो मैक्सो इदारा है आपका, जिसके आप सीईओ हैं, ये अभी करंटली किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा है और क्या क्या इसकी जो कोर सर्विसेज हैं वो क्या हैं? सर, मैक्सो की कोर सर्विसेज की अगर हम बात करते हैं तो इंटायरली सोशल मीडिया मार्केटिंग से रेलिवेंट ईच एंड एवरी सर्विसेज हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। एंड जो क्लाइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारी क्लाइंट जो है वो लोकल एंड इंटरनेशनल बोथ जो है वो हम टारगेटेड इंडस्ट्री को जो है वो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा, इसका आने वाले वक्त में आप क्या समझते हैं कितना स्कोप है और ये कितनी कह लें कि डाइवर्सिफाइड फील्ड है और इसमें किस किस तरह से काम किया जा सकता है? सर, अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात की जाए एंड इसके स्कोप की बात की जाए, ये ऐसा समंदर है जो अभी डिस्कवर किया जा रहा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली आपको एड प्रोवाइड करता है जिसके अंदर आप जो है वो ब्रांडिंग एंड अपनी जो है वो मार्केटिंग कर सकते हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। ये आपको लो कॉस्ट के अंदर एंड हाई रीच जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से आपकी सेल्स एंड आपकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो बूम कर लेती है। एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग का जो सबसे बड़ा एज है वो ये है कि आपको इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज की जो है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कोई भी पर्सन जो है वो कुल बेसिक्स जो है वो एंड मार्केटिंग के बेसिक्स को समझते हुए, बिजनेस के बेसिक्स को समझते हुए सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है वो इजीली कर सकता है। आपके पास अगर वेबसाइट नहीं भी है, आपके पास अगर जो है वो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, आपके पास फिजिकल लोकेशन नहीं है, देन भी आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू अपने क्लाइंटेज और अपने बिजनेस को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। सर, मुझे ये बताइएगा कि बीइंग अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट, आप सोशल मीडिया की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, तो ये जो ट्रेनिंग है वो आप कहाँ पे करवा रहे हैं और किस तरह से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? कि सर, सोशल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग हम रिसेंटली हमने जोहर टाउन लाहौर में अपने जो है वो ब्रांच ओपन की है एम्पोरियम मॉल के पास। यहाँ पर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की फिजिकल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम वीकेंड ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं एंड वीक डेज के अंदर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड हमारी ट्रेनिंग से जो है वो स्पेशल पार्ट ये है कि स्टूडेंट भी उसको जो है वो कर सकता है, एंड अगर कोई प्रोफेशनल है या एक बिजनेसमैन है या फिर अपना ऐसा स्टूडेंट जो कि अपना स्टार्टअप जो है वो स्टार्ट करना चाहता है, इन सब के लिए जो है वो कस्टमाइज ट्रेनिंग्स हमारे पास जो है मौजूद हैं। अगर कोई इन ट्रेनिंग्स के अंदर इनरोल करना चाहता है तो वो टेक्नोलैंक्स को सर्च करें, जोहर टाउन कैंपस को सर्च करें एंड हमारे कॉन्टैक्ट नंबर से जो वो इजीली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। सर, इस सारे सफर में आपकी इंस्पिरेशन कौन रहे और फैमिली ने आपको कितना सपोर्ट किया? सर, इस सफ़र की अगर हम बात करते हैं तो आईटी के सफ़र के अंदर मुझे सर कासिम आगा खान की जो है वो हमेशा सपोर्ट रही है। एंड अगर मैं फैमिली की बात करूं तो मेरे पेरेंट्स को अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने मुझे उस तरीके से सपोर्ट किया कि जब भी मैंने कोई चीज़ करना चाहिए तो वो कहते हैं कि जी चलें ठीक है, आपको जैसे बेहतर लगता है आप करें। लाइक अगर पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो, आपकी फैमिली की सपोर्ट ना हो, तो इंसान जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं कर पा रहा होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पेरेंट्स ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया है एंड सर कासिम ने मुझे आईटी की फील्ड के अंदर हमेशा गाइड किया है, एंड उन्हीं की सपोर्ट की वजह से मैं एज अ ट्रेनर, एज अ बिजनेस कंसल्टेंट एंड सोशल मीडिया एक्सपर्ट जो है वो काम कर रहा हूँ। सही। अच्छा सर, यूथ जो हमारी है वो आजकल बहुत ज़्यादा डायरेक्शन लेस है, उनको समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें, तो उनके लिए कोई आप एडवाइस दें कि वो किस तरह से किसी भी फील्ड में जाएँ तो कैसे अपने काम का आगाज़ करें और किस तरह फिर उसमें एक्सेल करें? अच्छा, यूथ के लिए मैं एक मैसेज यहाँ पर लाजमी देना चाहूँगा। हमारी यूथ इस वक्त ऑनलाइन लर्निंग को लेकर जो है बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। सही।
हर पर्सन जो है वो अर्निंग तो करना चाह रहा है, एंड इस वक्त ऑनलाइन अर्निंग के अंदर हमारे पास इतने वेज हैं कि अगर जो है वो हम जाते हैं तो स्टूडेंट जो है वो बिगनर लेवल के ऊपर जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि आइदर वो इस फील्ड के अंदर जाए या उस फील्ड के अंदर जाए, एंड देन होता क्या है कि वो किसी में भी एक जो है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता। तो इसमें जो है मैं स्टूडेंट को ये कहूँगा कि हर फील्ड का जो है वो स्कोप है, आप डिज़ाइनिंग की फील्ड के अंदर आ जाएँ, आप डेवलपमेंट की फील्ड के अंदर आ जाएँ, या डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड के अंदर आएँ, स्कोप आपको हर एक में मिलेगा, अर्निंग आपको हर एक में मिलेगी, लेकिन चूज़ वो फील्ड करें कि जिसमें आपको काम करने का मज़ा आए, एंड पैनिक जो है वो मत होइएगा कि अगर आपको ऑनलाइन अर्निंग करनी है तो इसमें टाइम ज़रूर लगता है। हम जो है वो ये यूट्यूब के ऊपर आपको बहुत सारी रील्स इस तरह की मिलती हैं, बहुत कंटेंट आपको सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह का मिलेगा कि जी एक दिन में इतने पैसे कमाएं, एक महीने में इतने पैसे कमाएं, वो शॉर्ट टर्म वेज होते हैं जो कि आपको कभी भी जो है वो एक कैरियर ग्रोथ के ऊपर नहीं लेके जाते। अगर आप किसी कैरियर को जो है वो लेके चलना चाहते हैं, एक प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, देन आप एक स्किल को लेके चलें एंड उस स्किल के ऊपर अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करें, तभी आप उधर से जो है वो अच्छा गेट कर सकते हैं। अच्छा सर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट के पास आपके ख्याल में कौन कौन से स्किल्स होने चाहिए? सर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट के पास सबसे पहले तो सोशल मीडिया की नाउ हाउ होनी चाहिए, देन जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो उसके पास बिजनेस डेवलपमेंट का जो है वो नॉलेज होना चाहिए। बिजनेस को किस तरीके से ग्रो करते हैं, मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एडवर्टाइजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या हैं, एंड देन डिज़ाइनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड ब्रांड जो है आइडेंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये डिफरेंट चीज़ें जो कि एक ब्रांड को जो है वो हिट कर रही होती हैं, सोशल मीडिया मार्केटर के लिए ये चीज़ें तमाम जो है वो स्किल गेन करना, उसके ऊपर ग्रिप करना एंड उसका नॉलेज रखना है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही। अच्छा सर, कासिम अली शाह साहब के काम को, उनकी फाउंडेशन को आप कैसे देखते हैं? अगर मैं सर कासिम अली शाह साहब के हवाले से जो है वो बात करूँ तो ये अल्हम्दुलिल्लाह वो एक चिराग हैं इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, जिस जो कि अपनी खुद तो जलता जा रहा है एंड अपनी रोशनी जो है वो फैलाता जा रहा है, और इनकी रोशनी और इनकी जो है वो फैज से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों की ज़िंदगी जो है वो बदल रही है। इनके काम से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली। जब भी मैं अपने करियर के अंदर या किसी भी डिसीजन मेकिंग के अंदर जो है वो स्टक होता हूँ तो मैं उनकी वीडियो के थ्रू जो है वो इंस्पायरेशन लेकर उसको स्टार्ट कर देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत बहुत शुक्रिया हमजा तारिक साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि बीइंग अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट इन्होंने बताया कि कौन कौन से स्किल्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं और किस तरह से सोशल मीडिया के ज़रिए अर्निंग भी की जा सकती है और ब्रांड बिल्डिंग की जा सकती है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए इंटरव्यू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।